नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा पर श्री चंद्रपुर का। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 के अंदर जैसा कि आपको बताएं 37,339 शिक्षक अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में कम गुणांक वालों का चयन रद्द होगा, नियुक्ति पत्र वापस होंगे, ऐसा सरकार का भी कहना है। दूसरी तरफ इसको लेकर हम बात भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कम गुणांक वाले छात्र हैं वो मिसगाइड होते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो भी न्यायालय की तरफ जा रहे हैं, और इसका कितना प्रभाव पड़ेगा इसको लेकर बात करेंगे। 31,277 की चयन सूची में गड़बड़ी NIC से हुई है, वहीं टेट और सीटेट के लिए खुशखबरी आई है उसको लेकर भी बात करेंगे। तो बनवे में सारी अपडेट हम कवर करते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है। अनअकैडमी कंप्लीट बैच कोर्स ऑन सीटेट पेपर 1 पेपर 2 स्टार्टेड ऑन 19 अक्टूबर, 19 अक्टूबर से शुरू हो गया है। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। आज ही एनरोल करें अनअकैडमी प्लस, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, ऑनलाइन अड्डा के 10% रेफरल कोड के साथ। इतना ही नहीं, अनअकैडमी लेकर आया प्रिपरेशन ऑफ सीटेट कंप्लीट बैच कोर्स स्टार्टेड ऑन 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर से शुरू हो गया है। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। आज ही एनरोल करें अनअकैडमी प्लस पर, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, ऑनलाइन अड्डा के कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। साथ ही अनअकैडमी लेकर आया है टारगेट KBS PRT कंप्लीट बैच कोर्स स्टार्टेड ऑन 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से शुरू हो गया है। एक ही सब्सक्रिप्शन से सभी बैच को आप एक्सेस कर सकते हैं। आज ही एनरोल करें अनअकैडमी प्लस पर, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, ऑनलाइन अड्डा के 10% डिस्काउंट। अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स, घर से बैठ कर आप लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर, इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, एक्सक्लूसिव आपकी कवरेज होगी सभी सिलेबस के ऊपर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, लाइव टेस्ट, स्टडी मटेरियल मिलेगा PDF फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन भी होगा, मेंटरशिप गाइडेंस भी मिलेगी। आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस, लिंक वीडियो। अनअकैडमी पर आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ की, जिसमें आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड के साथ। आज ही एनरोल करें। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप, गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों में उपलब्ध है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को रात को आगे के भी बताया था कि टेट और सीटेट के अंदर आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा। आगामी समय के अंदर जो आपका TET और CET होता है उसको बार बार आपको देना पड़ता है, और ख़ासकर हमारे प्रदेश के अंदर हमने देखा है कि हमारी जो भर्तियां हैं वो काफ़ी लंबे समय के लिए लटकी रहती है, 4 साल 5 साल। अब एक बार टेट देकर के 5 साल के लिए बैठ जाऊँ उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं टेट और CET को एक बार कर देना चाहिए, बार बार सरकार का राजस्व बढ़ाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो ऐसे में अगर सरकार ऐसा कर देती है तो बड़ा बेनिफिट उन सभी अभ्यर्थियों को होगा जो बार बार CET या फिर TET की तैयारियाँ करते हैं। तो ऐसे में आगामी समय के अंदर आपको बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है। शिक्षक पात्रता परीक्षा उम्र वर्ग के लिए दोस्तों, मतलब लाइफ टाइम के लिए आपकी जो मान्य हो जाएगी, केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा TET की अगर बात करें उम्र वर्ग के लिए मान्य कर दिया है। अब तक TET पास करने वाले उम्मीदवार 7 वर्ष तक नौकरी के लिए पात्र होता था। अब ऐसे में आप सभी को पता है शिक्षक बनने के लिए दोबारा परीक्षा देनी पड़ती थी, ऐसे में CET को काफ़ी लंबा समय अभ्यर्थी को लगता था पास करने में, और उसके बाद में फिर दोबारा से उनको जो परीक्षा दे करके दोबारा से अपनी वैलिडिटी बढ़वानी पड़ती थी। तो कहीं ना कहीं बार बार का जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा। बाकी आप सभी को क्या लगता है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वहीं दूसरी तरफ बात करें, 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर तमाम मुद्दे लगे हुए हैं, उसी मुद्दे में से एक मुद्दा है जैसा कि आपको पता है फर्जीवाड़े को लेकर। KL पटेल की कमाई का पता करने के लिए इनकम टैक्स की तरफ से जो कोशिशें वो की जा रही है आगामी समय के अंदर, यहाँ से कोई बड़ा आपको खुलासा देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि STF की तरफ से 69,000 शिक्षक भर्ती की जाँच तो की जा रही है, कम से कम 10 से 11 लोगों को पकड़ा भी गया है, लेकिन अभी तक इनसे ये पता नहीं चला है कितने लोगों की नकल करवाई गई थी, कितनों को यहाँ पर टॉपर बना दिया और कितनों को शिक्षक नियुक्ति पत्र मिल चुके 31,000 के अंदर। अगर ये जानकारी मिले तो कहीं ना कहीं जांच का बेनिफिट होगा। बाकी जो भी चल रहा है आप सभी के सामने, चाहे KL पटेल की कमाई की बात करें या फिर उसके घर की कोर्की की बात करें। तो ये तो दोस्तों बात जाती है फर्जीवाड़े को लेकर। वहीं दूसरी तरफ बात करें कम गुणांक वाले अभ्यर्थी की तरफ से, बड़ा अलग अलग मामला देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि कम गुणांक वाले अभ्यर्थी और 37,339 वाले अभ्यर्थी, मतलब सभी 67,867, अगर ये सोचते हैं कि ऑर्डर जल्द आ जाए तो दोनों को यहाँ पर नियुक्ति बड़े आराम से मिल जाएगी।
लेकिन अब हो क्या रहा है वो आप सभी के सामने है कि कम गुणांक वाले अभ्यर्थी भी कोर्ट जाएंगे, तो मामला तो वहीं आ गया सरकार की तरफ से कि अभ्यर्थी बार बार आपस में कोर्ट कोर्ट करते रहेंगे। उधर कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर कब आएगा किसी को नहीं पता है, क्योंकि वहाँ से कोई अपडेट अभी तक निकली नहीं है। तो सेम चीज़ पहले आप यहाँ पर देखो, उसके बाद में बात करूँ कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 37,339 पद शिक्षा मित्रों के लिए आरक्षित किया गया है। इसके बाद 31,277 पदों पर चयन व नियुक्ति के मामले में महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने आश्वासन के बाद याचियों के अधिकार हितों संरक्षण के आदेश को देने का आवश्यकता नहीं है। मतलब उनका कहना था कि इस याचिका पर कोई भी आदेश देने की आवश्यकता नहीं है, जो भी होगा पहले हम यहाँ जांच करवाएंगे, अगर कम गुणांक वाले पास पाए जाते हैं तो उनकी नियुक्तियाँ रद्द कर दी जाएंगी। नीचे आप सभी देख पा रहे हैं, महाधिवक्ता ने कोर्ट से कहा है कि सहायक अध्यापक चयन व भर्ती की कार्यवाही में अंतिम है, जिसका पूर्वलोकन होगा। नियुक्ति के लिए अधिक अंक पाने वाले वरीयता दी जाएगी और कम अंक पाने वालों को यहाँ से नियुक्ति करने का जो प्रश्न ही नहीं बनता है। यदि कम अंक पाने वालों की काउंसलिंग की गई हो तो भी उनको अधिक अंक पाने वालों के साथ न्याय किया जाएगा, ऐसा AG सर की तरफ से कहा गया है। सेम चीज़ आपको सारी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है कि यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो कम अंक पाने वालों की जो काउंसलिंग है वो करा दी गई है, उनकी नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद में जैसा कि आप सभी ने देखा है कि कम अंक पाने के बावजूद की गई नियुक्ति भी वापस ले ली जाएगी, ऐसा आप सभी के सामने आ जाता है। और यह सारी अनियमितताएँ NIC की जांच रिपोर्ट आने के बाद पूरी की जाएंगी। तो ऐसे में आप स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि कम गुणांक वालों की नियुक्तियाँ वापस ले ली जाएंगी। मैंने कल भी कहा था कि इतना सब कुछ करने से अच्छा ऑर्डर के लिए प्ले करवा देते, एक अधिवक्ता को भेज देते तो जानकारी मिल जाती कि ऑर्डर कब से आने वाला है, फिर सबको एक साथ नियुक्ति दे देते, तो ना तो 31,000 परेशान होते ना 37,339, है ना। वहीं अगर हम बात करें आज के सभी समाचार पत्रों के अंदर एक ही मामला आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को रद्द किया जाएगा चयन, इसके अंदर भी आपको सेम जानकारी देखने के लिए मिली है, क्योंकि कल एक ऑर्डर भी अपलोड हो गया था, उसके माध्यम से मैंने आपको दिखाया भी था कि सरकार ने यहाँ पर कहा है कि आगामी समय के अंदर हम कम गुणांक वालों को बाहर करके ज़्यादा गुणांक वालों को अंदर ले लेंगे। तो ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा शिक्षक चयन पर घेरे में NIC है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की अगर बात करें, शिक्षक भर्ती पहली बार NIC सीधे तौर पर घेरे में आ गई है। शीर्ष कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर, जहाँ कि आप सभी को बताया कि 67,867 में से 31,000 शिक्षकों को नियुक्ति दी गई और शिक्षक भर्ती 12 अक्टूबर को वेबसाइट पर सूची जारी कर दी गई। अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थी का चयन नहीं उठा, उसी को लेकर मामला आप सभी ने देखने के लिए मिला। अभ्यर्थियों की तरफ से बार बार तमाम तरीके दोस्तों जो कहीं ना कहीं सवाल हैं वो उठाए गए चयन सूची के ऊपर। उसी क्रम में अधिक गुणांक होने पर चयन न होने से सूची पर विवाद बढ़ा। ताज्जुब यह है कि जब 67,867 में अभ्यर्थी सूची से ही तो हुआ था, तो ऐसे में अधिक गुणांक वाले जिले से बाहर कैसे हो गए, इसके बारे में मैंने आपको समझाया भी था। तो सूची तय करने से पहले बेसिक शिक्षा परिषद के अफसर फॉर्मूला सुझाते हैं, जबकि उसे अगर लागू करने का कार्य NIC का होता है। तो ये जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी कि कहीं ना कहीं यहाँ से अधिकारी एक ऐसा फॉर्मूला बनाने की बात कर रहे हैं जिससे कि ज़्यादा गुणांक वालों को नुकसान नहीं होगा। अब कौन सा फॉर्मूला बना करके दिया है, तो ऐसे में ये तो अधिकारी जानते हैं, बस NIC में तो मामला लटकाने वाला काम आ रहा है और कुछ नहीं है, आपके सामने लिखा भी है। तो उसी क्रम में नीचे भी आप सभी देख पाए, तो ऐसे में जो कम गुणांक वाले अभ्यर्थी की तरफ से क्या किया जा रहा है वो भी आप देख सकते हैं। तो कम मेरिट वालों को अगर यहाँ से कहीं ना कहीं बाहर करके अधिक मेरिट वालों को जगह दी जाती है, तो कम मेरिट वाले भी कोर्ट जा सकते हैं। उनकी दलील ये है कि ये भी 67,867 की सूची में शामिल थे, इसमें शामिल किया गया है, तो अब नियुक्ति को रद्द क्यों किया जा रहा है, इसमें उनकी क्या गलती है। बिल्कुल सही है, वही मामला आ गया कि ना तो 37,339 परेशान है और ना ही 31,661 वाले। अब परेशान करने वाली सरकार, क्योंकि उसकी तरफ से यहाँ पे एक्शन लिया गया, फैसला लिया गया नियुक्ति करवाने का, अब मामला दोनों तरफ से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, इन सभी परेशानियों की सिर्फ एक ही दवा है, जो कि 69,000 कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर है। कल बहुत सारे अभ्यर्थी 31,000 वाले एक्टिव भी दिखाई दिए हैं, अब ऐसे में 37,339 वाले ने अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं कि उनको नियुक्ति कब तक मिलेगी। दूसरी तरफ अगर 31,661 वाला मामला 17 तारीख से पहले ऑर्डर नहीं आ जाता है, तो एक बार फिर से जो भर्ती फंसती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक आप सभी को पता है कि हाईकोर्ट में सुनवाई होंगी। अगर किसी भी कम गुणांक वाले अभ्यर्थी को बाहर निकाला जाएगा तो मामला फिर वहाँ से फंस जाएगा, फिर न्यायालय में तारीख पर तारीख वाला मामला आपके सामने देखने के लिए मिल सकता है, जिसकी जानकारी आपको पहले दी गई थी जब सरकार की तरफ से आदेश दिया था कि 31,661 पर नियुक्ति करवा दी जाए।
तो उसी राह पे भर्ती जाती हुई दिखाई दे रही है। उसी क्रम में आवेदन को लेकर लगातार अभ्यर्थी परेशान है। कल मैंने आप सभी को बताया था कि छोटी मोटी गलतियों को लेकर नियुक्ति पत्र निर्गत किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक प्राप्तांक पूर्णांक वाले अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आपको साइड में देखने के लिए मिल रहा है कि 125 अभ्यर्थी पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थी को अभी तक राहत नहीं मिली है। लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी यहाँ पर जो मांगें वो नहीं सुनी जा रही हैं। तो ऐसे में मुझे उम्मीद है कि आगामी समय के अंदर आप लोग इसी प्रकार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे तो जल्द आपको यहाँ से राहत भी मिलेगी। लेकिन जो छोटी मोटी गलतियाँ हैं जिससे आपकी मेरिट प्रभावित नहीं हो रही है, उस पर आपको नियुक्ति पत्र निर्गत किए जा चुके हैं। ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।